लालू प्रसाद यादव ने गरीबों को यही ताकत दिया है कि या तो सड़क पे या तो सदन में बोलना हो तो शेर के जैसा बोलो। सदन में भी बैठे हुए कुछ जो मनुवादियों सामंती प्रवृत्ति के महोदय, उनको पेट में मरोड़ा दर्द होता है महोदय। रोजगार, अस्थाई रोजगार का कोई उपाय बजट में नहीं दिख रहा महोदय। तो महोदय बजट पढ़ना बोलिए। रेल का मतलब महंगाई है महोदय, रेल का मतलब निजी हाथों में बेचना है महोदय। आज भी बिहार के मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री आदरणीय जीतन राम मांझी जी के मंदिर में जाने पर महोदय मंदिर को धो दिया जाता है महोदय। अनुसूचित जाति के विकास किए बगैर इस राज्य का, इस देश का विकास नहीं हो सकता। विश्व बैंक का नारा, पीढ़ी का भी दाम बढ़ेगा और रेल का भाड़ा कि सबको सहना होगा, हो नहीं कुछ कहना होगा। विधायक बनने के बाद जो हम कुर्ता सिलवाए थे महोदय, वो कुर्ता भी नहीं हम बदले की सरकार दो बार बदल की। बजट बेचारा बोल रहा है क्यों है आप उदास, मैं आयु का खास हूँ, गांधी जी का दास, लंगोटी पहना दूंगा। और इस बजट पे बोलने से पहले हम अपने नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, आप अपने नेता और सचेतक शाहिन साहब को बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं कि आज हमको बोलने का मौका मिला है। महोदय, बजट प्रत्येक साल पेश की जाती है लेकिन इस बार का बजट बड़ा अनोखा है। हम सब लोग पहली बार बहुत सारे नए सदस्य चुन करके आए, हम लोगों ने अम्बेडकर, लोहिया, कर्पूरी के विचारधारा को पढ़ा समझा और उसके रास्ते पर संघर्ष करके यहाँ तक आए। लेकिन जिस तरीके से विधायक बनने के बाद जो हम कुर्ता सिलवाए थे महोदय, वो कुर्ता भी नहीं हम बदले की सरकार दो बार बदल गई। ये स्थिति है सरकार की महोदय। वो लगता है कि लोहिया क्या सोचते होंगे, अंबेडकर क्या सोचते होंगे और कर्पूरी क्या, किस तरह का लोकतंत्र की परिकल्पना किए होंगे महोदय। कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया गया लेकिन महोदय उनके विचारधाराओं को तिलांजलि देने के बाद ऐसा किया गया। इसलिए महोदय बजट पे हम बोलते हुए क्या बोलेंगे, बजट पे तो हम यही बात बोलेंगे महोदय कि बजट बेचारा बोल रहा है क्यों है आप उदास, मैं आयु का खास हूं, गांधी जी का दास, लंगोटी पहना दूंगा, लंगोटी पहना दूंगा। ये सबको लंगोटी पहनाने की तैयारी चल रहा है महोदय। ये सबके जो कमाई है महोदय, आम आदमी की कमाई कहां जा रही है बजट में दिख नहीं रहा महोदय। रोजगार, अस्थाई रोजगार का कोई उपाय बजट में नहीं दिख रहा महोदय। और साफ साफ कहना चाहते हैं महोदय कि बजट इस बार लगभग टोटल जो बजट है महोदय, 2,42,992 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया महोदय। इस 2,82,900, सही बात है, वित्त मंत्री महोदय ने हमें करेक्ट किया महोदय, बोलने दीजिए। लेकिन महोदय इस बीच में एक और बात हुई है बोलने दीजिए महोदय, विजय चौधरी जी यहाँ पर हैं, जातीय आधारित गणना का आंकड़ा भी सार्वजनिक किया गया महोदय। और इस आंकड़े के माध्यम से महोदय आंकड़ा साफ साफ कहता है कि अनुसूचित जाति की संख्या आंकड़े के अनुसार जो 16% थी वो 20% हो गई, जनजाति की जो 1% थी वो 2% हो गई महोदय। लेकिन क्या इस बजट में वो चीज दिखाई पड़ता है जो नीतीश कुमार जी कहते थे कि जिसकी जितना संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी हम देने का काम करेंगे? तो पिछले बार भी महोदय अनुसूचित जाति का जो बजट था महोदय 1802 करोड़ रुपए का था और इस बार भी महोदय 1805 करोड़ रुपए का। तो आबादी महोदय 25% बढ़ा और बजट बेचारा वहीं के वहीं रह गया महोदय। तो कैसे अनुसूचित जाति का विकास होगा महोदय, कैसे उसके डेवलपमेंट के तरफ बढ़ेंगे महोदय? ये सब का साथ और सब का विकास कैसे हो सकेगा महोदय कि सिर्फ नारा में ही रह के बंद रह जाएगा महोदय? मामला ये है महोदय। दूसरी तरफ महोदय हम ये कहना चाहते हैं महोदय कि जो बजट जो जिस तरफ से इशारा कर रहा है वो कह रहा है महोदय कि मुद्रा कोष की नीति यही है और विश्व बैंक का नारा, पीढ़ी का भी दाम बढ़ेगा और रेल का भाड़ा कि सबको सहना होगा, हो नहीं कुछ कहना होगा। यहाँ कहाँ रेलगाड़ी है,
अरे तो बिहार के बजट पढ़ना बोलिए। रेल का मतलब महंगाई है महोदय, रेल का मतलब निजी हाथों में बेचना है महोदय, रेल का मतलब बिहार के बजट पे बोलिए, बिहार के बजट पे बोलिए, इधर से भटक के एकदम बिहार का ही बजट, बिहार के लोगों का भी भाड़ा से मतलब है ना महोदय, बिहार के लोग भी तो भाड़ा रेल का देते हैं कि नहीं महोदय। का बजट रेल पर नहीं है, 50 रुपए का बिहार सरकार के बजट पर है, 50 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट कटवाना पड़ता है ना महोदय, बिहार के लोग पर भी इस पर क्या प्रभाव, बिहार के बजट पर बोलने के लिए विषय नहीं है क्या? तो महोदय बोलिए बोलिए। तो इसलिए महोदय आप बहुत सीनियर सदस्य महोदय, आपका संरक्षण चाहिए महोदय, और हम चाहते हैं महोदय कि जो अनुसूचित जाति का जो बजट है महोदय, क्योंकि सबसे आज भी आजादी के 75 साल बाद सबसे हाशिए पर कोई है तो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है महोदय, आज भी उनके शरीर पर पेशाब करने में भी कोई परहेज नहीं करता महोदय, आज भी बिहार के मुख्यमंत्री पूर्व उप मुख्यमंत्री आदरणीय जीतनराम मांझी जी के मंदिर में जाने पर महोदय मंदिर को धो दिया जाता है महोदय, और यदि वो सच्चाई बोले तो उनको जीभ काटने के लिए 10 करोड़ रुपए का इनाम घोषित कर दिया जाता है। तो इसलिए महोदय अनुसूचित जाति किस हाशिए पर है इस बात की परिकल्पना आज इससे की जाती है, तो वित्त मंत्री जी यहां पर हैं महोदय, और अनुसूचित जाति के विकास किए बगैर इस राज्य का इस देश का विकास नहीं हो सकता महोदय, ये हम बोल सकते हैं। इसलिए बहुत सारी वित्त मंत्री जी ने अभी निर्णय लिया है बहुत सारे विभाग का समीक्षा का महोदय, हम कहना चाहते हैं जब से हम होश संभाले महोदय, या तो कल्याण मंत्री जीतनराम मांझी जी हुए महोदय, या तो फिर उनके बेटा संतोष मांझी जी हुए महोदय, और उस छात्रावास से हमारा तालुकात रहा महोदय, और संजोग से जीतनराम मांझी जी की जो कमेटी अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण समिति, उस समिति के हम मेंबर भी महोदय, उनके साथ पूरा बिहार घूमने का हमको मौका मिला महोदय, लेकिन बिहार का एक ऐसा छात्रावास नहीं मिला जहां पे जीतनराम मांझी और कमेटी के लोग बैठ करके बच्चों के साथ में भोजन कर सके, ये जानवर वाला भोजन आज भी उनको परोसा जा रहा महोदय। इसलिए महोदय ये इस तरीके और इस बात की सर रिपोर्ट महोदय कमेटी के माध्यम से हम लोगों ने सरकार को भी भेजा महोदय, देख लेंगे और देख लेंगे। दूसरी बात महोदय हम बताना चाहते हैं महोदय, हम देखेंगे, गया जिला से हम आते हैं महोदय, मखदुमपुर से हम विधायक महोदय, गया जिला में 18-19 जो भी 18-19 का जो वित्तीय वर्ष था महोदय, उसमें 34 करोड़ रुपए की अवैध निकासी बगैर ट्रेजरी के स्वीकृति के की गई महोदय, एक कमेटी के माध्यम से जांच कराई गई महोदय, उसमें DW को तो सस्पेंड किया गया महोदय, लेकिन उस समय के तत्कालीन मंत्री पर किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं किया गया महोदय, यदि वित्त मंत्री जी में मुख्यमंत्री जी में समीक्षा ही करना महोदय, तो सबसे पहले कल्याण विभाग के समीक्षा की जाए कि आखिर दलितों की स्थिति क्यों नहीं बदली, आखिर क्यों नहीं बदली महोदय, इस बात की समीक्षा होनी चाहिए। हमें चाहते हैं कि यहाँ पर सरकार बैठे हैं और इस तरफ उनको लेके जाना चाहिए महोदय। रही बात इस महोदय अनुसूचित जाति का जब दर्द हम बोलते हैं महोदय, अनुसूचित जाति का दर्द बोलते हैं महोदय, तो इस सदन में भी बैठे हुए कुछ जो मनुवादी और सामंती प्रवृत्ति के हैं महोदय, उनको पेट में मरोड़ा दर्द होता है महोदय। सतीश जी क्या संविधान हमको इजाजत नहीं देता अपनी बात रखने को? सतीश जी सुन लीजिए ना एक मिनट, भाई मेरे जवान आदमी हो, इतना तनाव में बोलोगे ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, मुस्कुरा के बोलो, बोलिए मुस्कुरा के बोलो भैया, हंसते महोदय बात अपनी कहो, मुस्कुरा के कहो। बहुत धन्यवाद महोदय, हमें यकीन है महोदय कि हम कितनों भी कस के बोलेंगे महोदय तो ये वाला नस नहीं फटेगा महोदय, और हम लालू जी के पार्टी से हैं महोदय, लालू प्रसाद यादव ने गरीबों को यही ताकत दिया है कि या तो सड़क पे या तो सदन में बोलना है तो शेर के जैसा बोलो,
बजट पर तो बोलो। लालू प्रसाद यादव जी ने ताकत दिया महोदय, बोलिए बजट पर। तो इसलिए महोदय बोली हमारी जो है सो सदन में भी है महोदय, सड़क पे भी है महोदय। इसलिए महोदय हम कहना चाहते हैं, शिक्षा विभाग की बड़ी चर्चा हो रही थी महोदय, और हम लोगों ने 17 महीने में हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने एक विश्व रिकॉर्ड बनाने का काम किया कि 70 दिन में 2,17,000 शिक्षकों की नियुक्ति पत्र गांधी मैदान में बुला करके बांटने का काम किया महोदय। इसलिए महोदय हम पूछना चाहते हैं कि आखिर ये सरकार बदलते ये क्या मजबूरी आन पड़ी कि शिक्षा क्षेत्र में भी आउटसोर्सिंग को बढ़ावा दिया जाने लगा महोदय। एनडीए ही ना आप हैं, अरे इधर देख के बोलो भैया। तो भैया हाँ बोलिए। आउटसोर्सिंग को बढ़ावा दिया जाने लगा महोदय, जो रात्रि प्रहरी की नियुक्ति माननीय विधायक लोग की अध्यक्षता में किया जाता था जिसका मानदेय 5,000 रुपया तय करते थे महोदय, अब आउटसोर्सिंग के माध्यम से 10,000 रुपया दिया जाएगा लेकिन वो भी उसको नहीं मिलेगा महोदय। ये इस तरीके से माननीय विधायकों को जो अपमानित किया जा रहा महोदय सरकार के द्वारा, इसमें सरकार के भी विधायक है विपक्ष के भी विधायक है, इसमें संशोधन होना चाहिए महोदय। या तो माननीय विधायकों को उस कमेटी से बाहर कर दिया जाए या तो रखा जाए तो उनकी प्रतिष्ठा की रक्षा की जाए महोदय, ये हम कहना चाहते हैं महोदय। और आउटसोर्सिंग में महोदय सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि यदि आरक्षण को खत्म करना है तो उसको विभाग को आउटसोर्सिंग में डाल दो, उसमें न अनुसूचित जाति को आरक्षण मिलेगा, न जनजाति को मिलेगा, न अति पिछड़ा को मिलेगा, न आर्थिक रूप से समान वर्ग के बच्चों को भी मिलेगा महोदय। जिसको वो ठेकेदार चाहेगा उसको बहाल करेगा अपने शर्तों पे, जिसको चाहेगा उसको लात मार के निकाल देगा महोदय, ये आउटसोर्सिंग का। तो इसलिए आउटसोर्सिंग के तरफ जो जा रहे हैं, हम इस सरकार से डबल इंजन की सरकार से हम अपील और मांग करते हैं महोदय कि आउटसोर्सिंग में भी रिजर्वेशन पॉलिसी को लागू किया जाए महोदय। बगैर रिजर्वेशन पॉलिसी के आउटसोर्सिंग कहीं भी मजदूरों को हित कर नहीं हो सकता महोदय, सभी वर्ग को समान अवसर नहीं दे सकता महोदय। इसलिए आउटसोर्सिंग में भी रिजर्वेशन को लागू किया जाए महोदय। और आउटसोर्सिंग तो हम लोग पछतान है, उसको खत्म किया जाए महोदय। और बाकी दूसरे तरफ महोदय जदयू के साथी लोग बैठे हैं, बहुत वो आंदोलन किए बाबू जगजीवन राम छात्रावास को जब बंद किया जाने लगा, खत्म किया जाने लगा।